एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुमारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितर तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान कराने पर कितने देवताओं के स्नान का पुण्य मिलता है? आपको कथा में पहले भी कहा 33 कोटि देवता मार्ग में खड़े हैं शंकर भगवान के स्नान का जल पाने के लिए। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग कटी भाग, उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्त कमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है, शिवलिंग उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा शिवलिंग के मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में विराजमान, एक ही में। महाराज पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता है, इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती। शाम को शंकर जी का वासा हो जाता है, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, क्योंकि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में। दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हैं। कई गीता हुई, कपिल गीता, दत्त गीता, श्रीमद भगवत गीता, गर्भ गीता, उसमें एक गीता है, एक ललिता गीता भी, एक गीता उसमें भीष्म गीता है, पढ़िएगा कभी। भीष्म गीता में अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा, उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते,
उस घर के बच्चे कभी भी सत मार्ग ही नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, वो ज्यादा फलदायी है बच्चिया के गोबर से लीपना कुंवारी गाय के गोबर से, जो ब्याही ना। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरु जी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कहीं तो शास्त्र तो कह रहा है ना कि ज्ञानी को अज्ञानी को समझाना सरल है, पर जिसके भीतर अभिमान भर गया, अहंकार समा गया, जो खुद को स्वताही भगवान मानता हो, स्वयं को वेद पाठी, स्वयं को शास्त्रों का प्रमाणित मानता हो, उसको कौन समझाएगा साहब? जिसके भीतर अभिमान भरा अहंकार भर गया हो उसे कौन समझा सकता? हम तो केवल इस व्यासपीठ से उतना ही कह देते हैं जितना इस कथा पुराण में लिखा है, उसके बाद मर्जी आपकी, आप सुधरो कि सिधरो आपकी मर्जी है। कहना हमारा काम है सुनना आपका काम, करना हो तो ठीक है, ना करो तो आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, मीरा भाई जैसे अलमस्त रहो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे मेलों में आग लगे, हमें कहीं करना। हम तो कह सकते हैं कि आपको करना हो तो ठीक है, ना करना हो आपकी मर्जी। भीष्म गीता कह रही है, तो यहां पर शास्त्र कहता है कि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, कथा वो चल रही है। इसलिए पिता के सामने अगर बेटी कुमारी हो तो पापा के साथ भोजन करे, पिता के साथ भोजन। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रो। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको, उसका एक कारण जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।